नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सावंत फिर से आपका अपने YouTube चैनल अमी गार्डनिंग पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम पॉटिंग से रिलेटेड वीडियो सेकंड पार्ट में बनाएंगे इसी के, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी था कि हमें दो तरीके की सॉइल की जो रिक्वायरमेंट है और किन रीजंस है वो मैं हम डिस्क्राइब भी कर सकें। तो इसीलिए मैं आज इसलिए नर्सरी से कुछ पौधे सेलेक्ट करके लाया हूँ और पॉट्स लेके आया, ताकि मैं आपको पॉट का सिलेक्शन बता सकूँ कि पेड़ के हिसाब से पॉट कैसे सेलेक्ट करना है। इसलिए दो साइज़ के आपको दिख रहे होंगे हमारे टेबल पे दो प्लांट्स रखे हुए हैं, ये बोनसाई पे बड़ा अच्छा लुक देते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में या ये कहूँ नर्सरी में इसको नॉर्मल भाषा में ड्वार्फ कामनी कहते हैं, और ये बोनसाई का बड़ा प्यारा लुक देती है। और ये एक तरीके से कह लीजिए कि इंस्टेंट बोनसाई होती है, कि अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है एक बोनसाई दिखनी है तो ये बड़ा अच्छा सा लुक आता है इसका बनाने के बाद। अब इन्हीं दोनों प्लांट्स के साथ हम ये सेलेक्ट करेंगे कि हमें पॉट कैसे सेलेक्ट करना होता है। इसके साथ मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जब आप एक दो चार बोनसाई बना लेते हैं तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि किस पॉट के लिए कौन सी बोनसाई या कौन सा प्लांट हमको लेना है, या अगर हमारे पास प्लांट है तो उसके लिए किस साइज़ का किस शेप का हमको पॉट लेना है। जैसे कि आपको दिख रहा है कई तरीके के, कई डिज़ाइन के, कई शेप के हमारे पास पॉट्स रखे हुए हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है मगर थोड़ा कॉस्टली है। ये बोनसाई जो हमने फर्स्ट पार्ट में बनाई थी सेकंड एपिसोड की, ये वो रखी है। ये वो बोनसाई सॉइल रखी हुई है जो हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में बनाई थी। इन दोनों को अलग अलग क्यों बनाया और इन दोनों में क्यों बनाया, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों को कैसे यूज़ करना है, ये इस वीडियो में जैसे जैसे मैं चीज़ें बताऊंगा वैसे उसी के साथ आपको ये डिफरेंस भी पता चलता रहेगा कि इन दोनों में फ़र्क क्यों आया, इसका यूज़ कैसे करना है और क्यों किस चीज़ को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्लांट सेलेक्ट करते हैं और प्लांट के हिसाब से हम अपना पॉट सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए पहले मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़ सके कि मैं क्या चीज़ कैसे कर रहा हूँ और कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम अपना ये वाला प्लांट उठा लेते हैं, इसको एक पॉट में रख के देखते हैं। आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा, इस एंगल से शायद आपको बेहतर दिख रहा होगा कि पॉट का साइज़ क्या है और प्लांट का साइज़ क्या है, कैसा लग रहा है आप हमको नंबर वन का कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। अब एक पॉट मेरे पास ये है, इसमें अगर ये प्लांट लगा है तो ये पॉट के रेशियो में प्रोपोर्शन में क्या ये सही लग रहा है, ये आप पॉइंट नंबर दो बताएं मुझे। ऐसी ये भी एक पॉट है, काफ़ी बड़ा है, ये इसके साथ सूट नहीं करेगा, ये तो क्लियर विजिबल है, तो इसको हम पहले हटा देते हैं। एक हटा दिया है, तीसरा, दूसरा और पहले वाले को भी यहाँ से हटाया है। अब हमारे पास ये तीन ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, इसको मैं साइड कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी की कोई दिक्कत ना हो आपको। अब इस पॉट को इसके साथ इमेजिन करके देखें कि क्या ये पॉट इस पर सूट कर रहा है। अगर ये पॉट इस साइड से लगाया जाए और पॉट की ब्रांचेस इस साइड ज़्यादा हों तो ये प्रोपोर्शन में आएगा, तब ये अच्छा लगेगा। क्योंकि ये पॉट सूट नहीं कर रहा है इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन में आए दो, अब इन दो में से हमको एक चूज़ करना है। अब आप इन दोनों की हाइट में देखिए, इसमें अंतर है। वो वाली जो पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने मिट्टी बनाई थी जिसमें क्रश ईंटे थे या गमले के पार्ट थे, वो इसमें डाली जा सकती है, मैनेज हो जाएगा, मगर इसमें वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाएगी। अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करके रख लेते हैं। अब इस पेड़ को पॉलिथीन से बाहर निकालेंगे, देखेंगे इसका रूट स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, फिर जब इसको हटा लेंगे कर लेंगे तब हम इसको आगे देखेंगे कि
कि हमें कौन सा पॉट पे रख करके हमको उसका लुक बेटर आता है। तो चलिए पहले इसको हटा लेते हैं। ये रूट देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई हैं, अब इनको हम हटा देते हैं। यही रूट बाइंडिंग की होती है जिसकी वजह से अक्सर गमलों को हम लोगों को रिपॉट करना होता है, या बॉन्साई रिपॉट करते हैं, या घर में जो गार्डन होता है उसमें भी ये चीज़ें हम लोग रिपॉट करते हैं। इसके बाद इसकी सॉयल को स्लोली स्लोली हम हटाना चालू करेंगे इसकी मदद से। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रंक इस लाइन इसकी बन रही है, ये ट्रंक लाइन निकल आई। अभी इसमें और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि मिट्टी हम क्लीन कर पाएँ। अगर और है हमारे पास स्पेस तो हम ट्रंक लाइन और बड़ी कर लेते हैं ताकि बॉन्साई का लुक निकल के आ पाए। और ज़्यादा खूबसूरत लुक तभी आएगा जब ये थोड़ा सा और विजिबल होगी ट्रंक। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत सा पौधा है। मैं हालांकि देख करके लाया था ये सोच के कि इसका लुक कैसा होगा, क्या होगा। पेड़ का ट्रंक कभी सीधा नहीं होना चाहिए अगर हमने बॉन्साई बनाई है, और थोड़ा सा उसमें पुराने पेड़ के जो टेक्सचर्स होते हैं वो आने चाहिए। तो इसलिए पेड़ चूँकि काफ़ी जल्दी वुडन विजिबल होने लगता है। तो आप ये देखें इसके स्ट्रक्चर में हल्का सा कर्व है यहाँ ट्रंक में, ट्रंक लाइन इसकी अच्छी है। अब जो कुछ और चीज़ें इसके साथ सूट नहीं करी इसको हम काट के हटा देते हैं। अब ये एक शेप में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा क्लियर है। इसमें अभी ट्रिमिंग बहुत होनी है, अभी आपने इतना कर लेना है। अब इसके बाद इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद पॉट सिलेक्शन कर लें, ठीक है। इसके साथ करने पे लग रहा है कि पॉट कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हटा लेते एक बार, इसमें लगा के देखते हैं। लग तो ठीक रहा है, बहुत अच्छा नहीं है मगर ठीक ठीक लग रहा है। हाँ ऐसा एंगल आएगा। अच्छा इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है पेड़ का शेप किस तरीके से जा रहा है, सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल शेप में है, कोन के शेप में है। पॉट को भी उसी तरीके से सेलेक्ट करना है और उसी तरीके से हमें पॉट पे सेट करके देखना है कि किस एंगल से हमारा पौधा उस पर अच्छा लग रहा है। और उसका आपको पहले फ्रंट पॉट का तय करना है कि फ्रंट कौन सी साइड रखेंगे, क्योंकि ट्रंक लाइन जो आपका फ्रंट होगा उसी के हिसाब से सेट होगी, फिर पेड़ भी उसी हिसाब से सेट करना है, फिर ट्रिमिंग वैसे ही करनी है। तो हाँ, अब ये मूवमेंट इसको यूं लेकर के हम एक आइडिया ले सकते हैं जैसे किसी पेड़ पे पहाड़ पे कहीं पे उगा हुआ हो और वो कर्व ले गया हो, कभी स्लाइड हुआ हो थोड़ा सा पत्थर, तो उसकी वजह से ये एक आर्ट हो सकती है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आगे आपको पता चलेगी। भी एक इसका डिज़ाइन ले सकते हैं हम, अगर आप इसको ऐसे और देखें बहुत सारे पैटर्न से इसका यूज़ होता है, डिज़ाइन बनाई जाती हैं। तो फिलहाल पहला एक सीधा सीधा हम लोग लेके चल रहे हैं, इसलिए एक आइडिया दे दिया चूँकि इसका स्ट्रक्चर टिल्टेड मिल गया लकली। अब ये है टैप रूट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बोनसाई के लिए, अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। तो इसको हम काट देते हैं टैप रूट, इसकी मेन रूट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट बोनसाई में किसी प्लांट में नहीं रखी जाती, कहीं नहीं यूज़ करते हैं इसको। तो ये काट दिया, अब ये मेरा प्लांट में इतना सा रूट स्ट्रक्चर रह गया है, इसको और ज़्यादा नहीं क्लीन करूँगा मैं, इतना ही रखता हूँ। इसके बाद हम इसकी पॉटिंग करेंगे और अब आपको बताएंगे कि हम पॉटिंग कैसे करेंगे, ठीक कैसे करी जाती है। अब पॉट हमने फ़िलहाल तो ये सिलेक्ट किया है, लेकिन एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, चूँकि ये प्लास्टिक का पॉट है, इस पर अगर ये प्लांट रखते हैं हम तो मुझे लगता है कि शायद ये बेटर लगना चाहिए था, या पॉट इससे थोड़ा सा और छोटा होता तो ज़्यादा खूबसूरत पौधा
आता है लुक वाइज। तो खैर कोई बात नहीं, हमारे पास जो है हम उसी से बोनसाई का लुक देने की कोशिश करेंगे। अभी इसको हम रखते हैं साइड में, और अब आपको जो सबसे पहली चीज़ हमने दी थी, दिखाई थी कि हमारे पास मॉस्किटो नेट है, हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे लगाने के लिए, ताकि मिट्टी को रोका जा सके। ये छेद होता है, इस छेद में वायरिंग भी होती है, वायरिंग भी की जाती है बोनसाई में, जो हम अभी नहीं आपको बता रहे हैं। आगे आने वाले टॉपिक्स में प्लांट्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे उसमें हम वायरिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको आगे बताएंगे हम अभी। तो फिलहाल इसका एक टुकड़ा छोटा कर लिया जो इसके साइज़ का है, इसको हम इस पॉट के इस पोर्शन पे रख देते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, इसको रख दिया। इसके बाद हमने ये बड़े वाले टुकड़े निकाल लिए थे उसमें से, ठीक है। इस बड़े वाले टुकड़ों को हम यहाँ पे इसलिए डाल देंगे कि मिट्टी ड्रेन आउट ना हो जाए, तो इसकी एक लेयर हम नीचे डाल देंगे और थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, ताकि ये यहाँ पे कायदे से कवर कर ले। ये आप देखिए, ठीक है सर। अब इसको यहाँ कवर कर लिया, ये हो गया। अब हमको सेलेक्ट करना है कि हम इस पौधे को किधर रखें, एक उसकी डेप्थ कितनी रखनी है। हमें इतना पेड़ ऊपर लाना है, ये वाला साइड बेटर लग रहा है हमारा, या इस साइड से पेड़ बेटर लग रहा है, इस तरीके से रखते हैं। मेरे को लग रहा है शायद ये अच्छा लुक दे जाएगा। आप देखें, थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, हल्का सा स्लांट वे में रखेंगे, तो जो बचा है उसको इधर कॉर्नर पर थोड़ा सा डाल देते हैं, ताकि सपोर्ट मिल जाए उसको। अब ये जो हमने बोनसाई सॉइल आज आपको बताई है बनाना, अब इसको लेते हैं और इसको सबसे पहले जहां हमको प्लांट को रखना है हम उस जगह पे इसको रख लेंगे, और फिर प्लांट को रख करके हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ताकि एयर पॉकेट्स प्लांट में ना रह जाएं। अब इसमें इसको प्रॉपरली फिल कर देंगे, रहता है ताकि पॉट में बोनसाई की ग्रिप पेड़ की बनी रहे, और पेड़ जो है वो इधर उधर भागे नहीं। पहली बार में एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल टॉप तक सॉइल को फिल करना है, क्योंकि जैसे जैसे ये पानी एब्जॉर्ब करेगा वैसे वैसे मिट्टी बैठेगी। तो अब हम इसको इस चीज रख लेते हैं, और इसको टाइट से दबा दबा के मिट्टी को प्रॉपर सेट कर देते हैं, और उसके बाद इसको खाली बराबर से क्लीन कर लेंगे साइडों से, और सेंटर में जो एक्स्ट्रा है मिट्टी है उसको थोड़ी सी रखी रहने देंगे, ताकि उसको ज़रूरत अगर है तो सेट हो जाएगी, और नहीं सेट होती तो हम फिर उसको बाद में दोबारा से सेट कर लेंगे, या मिट्टी की रिक्वायरमेंट होगी तो फिल कर लेंगे, ज़्यादा होगी तो हटा ली जाएगी। लेकिन जिस समय सेट हो रहा हो तो ऐसा ना हो कि हमने पूरी मिट्टी उसकी हटा दी या कम डाली, और उसके बाद पेड़ पानी लगने के बाद बैठ गई मिट्टी और पेड़ हमारा गिर गया, ऐसा ना हो। तो ये हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा जो भी पॉटिंग का था हो गया ऑलमोस्ट। अब इसके बाद हमको करनी है वाटरिंग। अब वाटरिंग करेंगे तो उसका पैटर्न आपको बता रहा हूँ। तो अब प्लांट को हमने सेट कर लिया है, अब हम इसकी वाटरिंग की तैयारी करते हैं। वाटरिंग कैसे करनी है ये भी आपको बता दे रहा हूँ। अब इसका काम ख़त्म है फिलहाल, हम सॉइल को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से, और सॉइल को हम दूसरी साइड रख देते हैं। अब एक हम पॉट ले लेते हैं गहरा सा, टब जितना बड़ा पॉट में आ जाए गमला, उस हिसाब से थोड़ा सा उससे बड़ा। तो इसको यहाँ पे रखा,
सिंपल सा। और एक 1.5 इंच पानी में गमला डुबो दिया, जितना इतना पानी लेंगे जितना 1.5 इंच पानी में गमला हमारा डूब जाए। तो इसमें ये पानी हम साइड डोर से भर देंगे, जिससे जो मिट्टी है जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब करेगी वैसे वैसे वो नीचे बैठेगी। अगर हम ऊपर से डालेंगे तो नीचे से एयरपॉड्स जो इतने के बाद भी रह गए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो एयरपॉड्स ना रह जाए उसके लिए हम पानी साइडों में भर देंगे। और ये अब 15-20 मिनट ऐसे ही रखा रहेगा। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस का जो पानी था, पानी एब्जॉर्ब होकर के ऊपर तक लगभग मिट्टी गीली हो चुकी है और अच्छे से इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। ऑलमोस्ट मिट्टी अभी थोड़ा सा पहले से कम हुई है और जैसे जैसे अब ड्राई होगी वैसे वैसे इसके अंदर की एयर स्पेस और कम होगी। काफ़ी हद तक मिट्टी पहले से बैठ गई है। मैं आपको लाइट में आप दिखाता हूँ, अब शायद आप देख पा रहे होंगे कि मिट्टी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है काफ़ी और अच्छे से मिट्टी पानी एब्जॉर्ब कर चुकी है। इससे ज़्यादा शायद इसको पानी की नीड नहीं होगी, फिर भी 2 मिनट और रख लेते हैं कुछ टाइम। और जब तक थोड़ा ऊपर से प्रेस कर दे रहे हैं, बाकी तो जो आप गौर करें तो जितनी मिट्टी ऊपर थी अब उससे काफ़ी हद तक नीचे सेट हो गई है, चूँकि इसमें कोकोपीट भी है और परलाइट भी है तो मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए थोड़ा सा हमको प्रेस अलग से भी करना पड़ेगा। तो इससे मिट्टी नीचे हो जाएगी और पेड़ की पकड़ मिट्टी के साथ ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और उसके गिरने के परसेंटेज चांसेस कम होते चले जाएंगे जितना मिट्टी टाइट होती चली जाएगी। अब इसको हम 2-3 दिन अब इस पर कुछ नहीं कर सकते हमारे पास, जब तक सेट नहीं हो जाता पौधा। इसके बाद हम इसको कट करेंगे, ब्रांचेस को एक्सपोज करेंगे ताकि इसमें एक ओल्ड ट्री का लुक ला सकें। ये आने वाली वीडियो में आपको इसका दोबारा से हम एक लुक दिखाएंगे कि इसमें हुआ। अब जब अगला हम ये भी पॉट है हमारे पास, जब इसको हम अगले पॉट में लगाएंगे इसका भी वीडियो बनाएंगे, उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये प्लांट काफ़ी बड़ा है इसके मुकाबले, तो उससे बेहतर आप फिर से समझ पाएंगे कि हमको ब्रांच सिलेक्शन करना है या उसका ओल्ड लुक देना है एक प्लांट को कैसा करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस एपिसोड में हमने आपको बताया प्लांट एंड पॉट सिलेक्शन, रूट ट्रिमिंग करना, ठीक पॉटिंग करना, कैसे पॉट किया है, कैसे वाटरिंग करनी है। अब सबसे पहली केयर तो इसकी ये करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इसकी जो रूट्स थी, बेसिक रूट्स, फाइबर रूट, टैप रूट, हमने उसको कट कर दिया है। तो अब ये 1 वीक तक डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाना है इसको, या तो शेड में रखेंगे या इनडायरेक्ट सनलाइट इसको प्रोवाइड करेंगे, यानी छाई में रहेगा। जहाँ रोशनी तो आएगी मगर सूरज की किरणें इस पर नहीं पड़ेंगी। अगर आ गया तो पेड़ का सर्वाइवल कम हो जाएगा। और फिर इसको 1 वीक बाद जब हम इसमें ट्रिमिंग करेंगे तब आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम अगले काम के बाद में इसका एक रिव्यू कराएंगे कि इसका लुक क्या आया। तो थैंक्स दोस्तों अपना कीमती समय हमको देने के लिए भी है, मेरी गलतियाँ भी बहुत सारी होंगी इसमें। जितने भी पिछला वीडियो और ये वीडियो है बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, इसकी स्क्रिप्ट नहीं तैयार की गई। जैसे जैसे प्रॉब्लम सामने आई है, जैसे जैसे बात निकली वैसे वैसे हमने आपको ब्रीफ किया है। जो गलतियाँ हैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर उन गलतियों को आप हाईलाइट करेंगे तो मेरे लिए अपने में सुधार लाना आसान होगा और मुझे आगे अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट्स तैयार करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यस कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आगे आप और बॉन्साई से रिलेटेड किस टॉपिक पे कौन सा कंटेंट चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं जिसकी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करें, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जिसके कमेंट्स सबसे ज़्यादा होंगे पहला अगला वीडियो मैं उसी का बनाऊंगा। थैंक यू।